हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धा हत्याकांड के विरोध में दुर्दांत हत्यारे आफताब की माफी की मांग करते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रांत सह संयोजक ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने कहा कि हिंदू जागरण मंच सदैव से ही लव जिहाद के विरुद्ध समाज को सचेत करता रहा है। श्रद्धा हत्याकांड ने विभत्सना की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। यह एक प्रकार से हिंदू समाज के प्रति विधर्मी मानसिकता का परिचायक है। जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत शरीर के 35 टुकड़े कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, ये एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण से ही संभव है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में बहुत लंबा रैकेट हो सकता है। ऐसी शक्तियों को शामिल करने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को प्राण प्राण से प्रयास करने होंगे। अपनी महिला सुरक्षा व सम्मान, अवैध गतिविधि पर नियंत्रण तथा अवैध अतिक्रमण व कब्जा के विरुद्ध प्रभावी आंदोलन के साथ साथ परिवार प्रबोधन के माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के अभियान को और अधिक गति देनी होगी, अन्यथा हिंदुस्तान में एक दिन हिंदुओं की स्थिति दयनीय हो जाएगी। इस अवसर पर अनिल अरोड़ा, महानगर संयोजक महंत महनदास, जिला संयोजक राजकुमार शर्मा, अश्विनी शर्मा, रजत गोयल, प्रदीप ठाकुर, वीर सिंह चौहान, राधेश्याम पुंडिर, संजू पाल, मंगो राम त्यागी, प्रवेश धवन, वीरेंद्र चौहान, अपनेश चौहान, जोगेंद्र पाल सिंह, धर्मपाल कश्यप, कुलदीप राणा, महंत सुंदरदास, अजयपाल सिंह, सुनील त्यागी, रामपाल सिंह, शिवम योगी, मुकेश, मोहित प्रजापति, अमन जल सिंह सैनी त्यागी, प्रिंस अनार सिंह आदि उपस्थित रहे। आज हिंदू जागरण मंच महानगर व जिला सहारनपुर के कार्यकर्तागण जो श्रद्धा हत्याकांड मई में घटित हुआ और अभी एक हफ्ता पहले अनावृत हुआ, उसके विरोध में कि अब इस मानसिकता के साथ भी विधर्मी जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो हिंदू बहन बेटियों का इस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, इस प्रकार से उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके विषय में समाज को सचेत करने के लिए और समाज में ये विषय पहुंचाने के लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं। और दूसरा, जो जिस प्रकार से इस मामले में सबूतों को मिटाने की प्रयास किया गया है और एक 6 महीने तक सबूत मिटाए गए हैं और अपनी जो अभिसूचना विभाग था भारत का, जो और दूसरी दूसरी इकाइयां थी, उन वो सब बुरी तरह फेल हुई हैं कि एक हत्या हुई, हत्या के बाद उसके उस उसको उसके 35 टुकड़े हुए, 35 टुकड़ों के बाद वो सारी लाश को ठिकाने लगाया गया और राजधानी में लगाया गया दिल्ली में, जहां इतने VVIP लोग रहते हैं। तो ये हिंदू समाज के साथ साथ भारतीय के प्रत्येक नागरिक के लिए एक शोचनीय विषय है। तो ये इसमें जहां हम एक और ऐसी मानसिकता के जो गजवाए हिंद के समर्थक लोग हैं भारत के अंदर, उनको दोषी मानते हैं, उसके साथ साथ हम इसमें अपने जो प्रशासन तंत्र है या जो अभिसूचना तंत्र है, जो पुलिस तंत्र है, उसकी भी फेल्योर मानते हुए उसके विरोध में भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।